नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु, स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा की तिथि के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है। क्या है इस पत्र की पूरी जानकारी हम देंगे। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि कल जो है विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ। इस पूरे विधानसभा के बजट सत्र में जो है बहुत सारी चीजें हुई, परंतु हमारे काम की है रोजगार से संबंधित, जो कि हमको सिर्फ दो से तीन चीजें मिली, जहां पे हमको पता चला कि चार जो नए जिले बने हैं उसमें से हमको 1100 पदों पर भर्तियां होंगी। साथ में जो चार जिलों में अनुविभागीय कार्यालय होंगे उसमें 30 पदों पर भर्ती होगी। और साथ में जो बस्तर वाला कैडर है, नया कैडर जो है बनाया गया है। फिलहाल ये एक हमारे लिए अच्छी न्यूज है कि भर्तियां आएंगी। अब ये भर्तियां कब आएगी? भर्तियां तब आएगी जब ये पूरे जिले अस्तित्व में आ जाएंगे, और उसके बाद कुछ दिनों बाद इसमें भर्ती आएंगी। लगभग इसमें 6 से 7 महीने टाइम लगेगा फिलहाल, लेकिन भर्तियां आएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि देखिए हॉस्टल वार्डन के संबंध में, तो उन सभी को बताना चाहूंगा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसियां आना तय। क्योंकि देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले कुछ समय पहले लेटर दिखाया था, उस लेटर में बताया गया था कि भैया 3 दिन के अंदर आप पूरे खाली पदों की जानकारी भेजो, इस टाइप का था। और आप सभी को यह बताना चाहूंगा, वर्तमान में जो आदिम जाति एवं कल्याण विभाग के जो सचिव है, उन्हीं के शासन काल में, मतलब उन्हीं के बोलना चाहिए वो जब थे, तो 2016 में जब भर्तियां हुई थी तो भी वही थे उस विभाग के सचिव, और आज भी वही है। तो कहना चाहिए आपकी भर्तियां सोलह, जब जब वो उस विभाग को उनको प्रभार दिया जाता है तब तब वो उस विभाग में भर्तियां लाते हैं, ये 100% है। इस बार भी जो है उस विभाग की भर्तियां आएगी, कन्फर्म है। रही बात ये कब आएगी और इसकी तैयारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, कब आएगी इसका आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में सीजी व्यापम प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जो है जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा, चाहे वो पीटी हो गया, पीपीएचटी हो गया, और प्री बीएड हो गया, प्री डीएलएड हो गया। इन सारी चीजों का परीक्षाएं की जो सूची है वो आपको, प्रवेश परीक्षाओं की सूची वो आपको मिल जाएगी। साथ में महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट, क्षेत्र रक्षक का रिजल्ट कभी भी आपको व्यापम की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल ही व्यापम का जो साइट है, सर्वर है, थोड़ा फ्री हुआ है। पटवारी का जो ऑनलाइन आवेदन था उससे फ्री हुआ है। कई लोग इसमें शिकायत भी किए थे कि पटवारी का जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसमें पेमेंट नहीं हुआ है, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन अभ्यर्थियों को। तो उसके संबंध में फिलहाल व्यापम क्या करता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये सारी चीजें जो है व्यापम के दिमाग में है, व्यापम के मद्देनजर है, उनको बोना चाहिए, सुनाई दिया है सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहूंगा व्यापम में ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारी चीजों के लिए। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि व्यापम में ही एक लेटर जारी हुआ, जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले बताया था कि व्यापम में जो पटवारी भर्ती है 17 तारीख को, उसमें ईस्टर डे का दिन पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि देखिए 10 तारीख मतलब राम नवमी 10 अप्रैल में, कहना चाहिए आप सभी जानते हैं कि 10 अप्रैल को पटवारी का परीक्षा था, रामनवमी की वजह से 17 तारीख किया गया। अब देखिए, यहां पे अगर धर्म के नाम से अगर ऐसा कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों को कहीं ना कहीं एक ऐसा ठगा महसूस करेंगे कि अगर उनके धर्मों को नहीं दिया जाए तवज्जो, अगर रामनवमी में के दिन पेपर नहीं लिया जा रहा है तो 17 तारीख को भी पेपर न लिया जाए, ऐसा उनका कहना है। और इसी के कारण जो है वो ये जो लेटर है आप सभी के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये लेटर व्यापम में पहुंच चुका है। और याद रखिएगा, पटवारी भर्ती कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, इसमें लगभग 1.5 लाख लोग से अधिक, 1.5 लाख लोगों से अधिक लोग फॉर्म भरेंगे उस स्थिति में, जबकि बिलासपुर और रायपुर में एक भी वैकेंसियां नहीं है, फिर भी 1.5 लाख से अधिक का जो फॉर्म आएगा ऐसा बताया गया है। यहां पे इस वजह से इसका ज्यादा विरोध कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक बोलना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर भी आ जाती है बात कि भाई देखिए ये गवर्नमेंट इस धर्म के प्रति ज्यादा बोलना चाहिए बहुत ज्यादा झुकी हुई है एक धर्म, तो इसी वजह से सरकार सभी धर्मों के प्रति समान न्याय रखती है। तो
कहना चाहिए व्यापम के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि अगर देखिए वहां पे उस लेटर में अगर ये वर्ड नहीं लिखा रहता कि रामनवमी की वजह से, तो बात अलग रहती कि चलो दिमाग में किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आती। लेकिन उस लेटर में साफ साफ ये लिखा है कि रामनवमी की वजह से 10 तारीख का पेपर 17 तारीख किया जाता है। तो ये जो अगर इस टाइप का लिखा जाता, तो अगर उस लेटर में ये लिखा जाता कि अपरिहार्य कारणों के से जो है 10 अप्रैल का पेपर 17 अप्रैल किया जाता है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन यहाँ पे धर्म के नाम से लिख दिया गया कि 10 अप्रैल को रामनवमी की वजह से जो है डेट आगे बढ़ी जाती है, इसी वजह से वहां पे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए, पेपर को धर्म से जोड़ना सही नहीं है। पेपर, बेरोजगारी, ये सारे धर्मों को बोलना चाहिए, बेरोजगारी भी सारे धर्मों में होती है, और बोलना चाहिए ये सारी चीजें को अलग करके ये पेपर अपने टाइम में व्यापम लेगा नहीं लेगा, ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन व्यापम में इस समय बहुत ज्यादा दबाव है। कारण है कि 17 नवंबर को भी ईस्टर डे है और सभी धर्मों का समान जो न्याय है वो होना चाहिए। देखने वाली बात है कि व्यापम क्या निर्णय लेता है, परंतु ये जो लेटर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सामने जो है सो रहा होगा। यही लेटर की जानकारी देना था। फिलहाल आप सभी को यही कहूंगा कि आप 17 अप्रैल को ही मानकर तैयारी करिए। ये सब देखिए, ये जो लेटर है व्यापम में, ऐसे कई लेटर आए होंगे, तो व्यापम अगर हर किसी को, अगर हो सकता है व्यापम अगर कोई और डेट में रखता तो किसी और धर्म का त्योहार रहता, तो फिर वो धर्म वाले आ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि सही भाई हमारा धर्म हमारा वो है, तो ऐसा करके अलग अलग धर्म वाले आते जाएंगे, तो पटवारी का पेपर दिसंबर चला जाएगा। इस प्रकार से फिलहाल आप सभी 17 अप्रैल मान के तैयारी करिए। आगे जो भी निर्णय होगा, जैसा भी निर्णय होगा, वो मेरे द्वारा आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी व्यापम बहुत ही असमंजस में है कि आखिर करे तो करे क्या, इतनी सारी चीजें हो रही है, क्योंकि व्यापम के पास एक ही काम नहीं है। व्यापम को आज बोलना चाहिए रिजल्ट भी अपलोड करना है, व्यापम को प्रवेश परीक्षाओं का तिथि भी निर्धारित करना है, ऐसा बहुत सारा वर्क करना है व्यापम को। और ये सारी चीजें भी जब व्यापम के पास आती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो बोलना चाहिए एक दबाव महसूस किया जाता है, और उसका जो निर्णय है वो आपके सामने बहुत ही जल्द जो है देखने को मिलेगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल आप सभी पटवारी की तैयारी जोर शोर से करिएगा। साथ में देखिए, आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन से संबंधित हो, उद्यानी अधिकारी के संबंध में हो, मत्स्य निरीक्षक के संबंध में हो, बांध निरीक्षक के संबंध में हो, राजस्व निरीक्षक के संबंध में हो, आपको निश्चित है भर्तियां बम्पर मात्रा में आएगी। और आप संडे का वेट मत करना, आप सभी को बताना चाहूंगा कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल आप सभी को संडे का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में व्यापम जो है संडे नहीं देखेगा, क्योंकि उसके पास भर्तियां इतनी करनी है, इतने सारे विभागों से भर्तियों के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं कंटिन्यू, कि व्यापम को संडे अगर करेगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसी वजह से, क्योंकि व्यापम आप लोगों ने देखा कि एक दिन में 2 एग्जाम भी ले रहे हैं, कारण है कि भर्तियां बहुत लेनी है। फिलहाल एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए भर्तियां आ रही है। आप सभी को ये जानकारी देना, फिलहाल यही पूरा अपडेट देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।